हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की सीरीज़ को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने 37, 38 पहले पढ़ चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने देख लिया है कि 37, 38 में क्या होता है। अब बात कर लेते हैं 39 की। 39 कहता है इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म प्रॉमिस होली। जब क्या पार्टी प्रॉमिस को वह पूरा होली प्रॉमिस को रिफ्यूज कर देगी तो उसका इफेक्ट क्या होगा। व्हेन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हैज रिफ्यूज टू परफॉर्म और डिसेबल हिमसेल्फ ऑफ फ्रॉम परफॉर्मिंग, मतलब जब कोई पार्टी रिफ्यूज कर देती है प्रॉमिस परफॉर्म, कॉन्ट्रैक्ट की कोई भी, दोनों में से कोई भी पार्टी रिफ्यूज कर देती है प्रॉमिस परफॉर्म करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए, या अपने आप को ऐसा बना लेती है, ऐसा डिसेबल बना लेती है कि वह कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर सकती। हिज प्रॉमिस इन इट्स एंटायरली, पूरे प्रॉमिस को, पूरे इंटायरली प्रॉमिस को परफॉर्म करने के लिए डिसेबल बना लेती है या रिफ्यूज कर देती है। द प्रोमिसी में पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट, द प्रोमिसी कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर सकता है उसके सिग्निफाइड बाय वर्ड्स और कंडक्ट और हिज एक्विसेंस इन इट्स कंटिन्यू, या उस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू कर सकता है, उसका वेट कर सकता है कि वो प्रॉमिस को परफॉर्म करेगा। ठीक है, जब कि कॉन्ट्रैक्ट की किसी पार्टी ने उसको अपने आप को डिसेबल बना लिया कि नहीं वो परफॉर्म नहीं कर पाएगी, या रिफ्यूज कर दिया कि नहीं परफॉर्म नहीं करेगी, तो ऐसे में क्या होगा, वो प्रॉमिसी के पास क्या ऑप्शन होगा, या तो वो कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर दे अपने वर्ड्स से या कंडक्ट से, या एक्विसेंस कर दे, एक्विसेंस इन इट्स कंटिन्यूस, या उस परफॉर्म उस प्रॉमिस को बोल दे कि नहीं तुम इसको कंटिन्यू कर लो ऐसा वगैरह, या उसका वेट कर सकेगा। ठीक है, अगर वेट करा उसने या कंटिन्यू रहने दिया उस प्रॉमिस को, तो उसके पास, उसको ये बेनिफिट रहेगा कि वो कंपनसेशन तो ले सकता है जो उसको लॉस हुआ है, लेकिन वो फिर उस कॉन्ट्रैक्ट का एंड नहीं कर सकता, पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है वो। ठीक है, हमें एग्जांपल के थ्रू इसको मैं बताती हूँ। बैरेक में दिया हुआ एग्जांपल, ए अ सिंगर इंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विथ बी, द मैनेजर ऑफ थिएटर। ए जो एक सिंगर है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है बी से, बी जो थिएटर मैनेजर है उससे क्या कॉन्ट्रैक्ट करता है कि वह उसके थिएटर में 2 नाइट्स एवरी वीक ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 मंथ तक गाएगा, और बी क्या कहता है कि उसके बदले वो 100 रुपये उसको ईच नाइट का परफॉर्मेंस का देगा। ऑन दी 6th नाइट ए विलफुली एबसेंट हर सेल्फ फ्रॉम दी थिएटर। 6th नाइट पर क्या करता है बी कि ए वो विलफुली एबसेंट हो जाता है थिएटर से, तो बी को क्या लिबर्टी मिल गई यहाँ कि वह कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर सकता है। आया समझ में? ए जो एक सिंगर है बी से कॉन्ट्रैक्ट करता है जो एक थिएटर मैनेजर है कि मैं 2 महीने तक हर वीक तुम्हारे यहाँ, 2 महीने तक वीक में 2 बार तुम्हारे यहाँ गाना गाऊंगा, तो बी ने क्या कहा, उसके बदले मैं तुमको हर नाइट का 100 रुपये दूंगा। 6th नाइट पे बी, सिक्स सॉरी 6th नाइट पे ए विलफुली एबसेंट हो जाता है, वो गाना गाने नहीं जाता है, तो यहाँ बी के पास क्या ऑप्शन है, ए नहीं गया तो कि वह कॉन्ट्रैक्ट का उस समय जैसे ही नहीं गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट का एंड कर सकता है। अब ये एंड वाली बात तो समझ में आ गई, अब एक्विसेंस इन इट्स कंटिन्यूएंस ये वाली बात सेकेंड वाले इसके उसमें है, सेकेंड एग्जाम्पल वो डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। ए जो एक सिंगर है वह बी से कॉन्ट्रैक्ट करता है जो थिएटर मैनेजर है कि मैं वही कॉन्ट्रैक्ट कि 2 नाइट तक एवरी वीक तुम्हारे यहाँ नेक्स्ट 2 मंथ तक मैं गाना गाऊंगा, तो बी बोलता है उसके लिए मैं तुमको 100 रुपये पर नाइट का दूंगा। तो 6th नाइट यहाँ ए विलफुली एबसेंट हो जाता है, तो बी के पास एक तो क्या ऑप्शन है कि वह कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर सकता है, और ए जब 7th नाइट को आया तो बी ने उसको गाने दिया, उसके उसने उस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करने दिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब वह कॉन्ट्रैक्ट को एंड नहीं कर सकता, वह 6th नाइट का जो उसका कंपनसेशन है वह ले सकता है क्योंकि उसने 7th नाइट को उसके वर्ड से और कंडक्ट से ये सिग्निफाई कर दिया कि वह कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू रखना चाहता है। तो यहाँ पर
बी ने क्या करा, कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करना रहा, उसका वेट करा और कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू रखा, उसे मना नहीं करा, उसके वर्ड्स से और कंडक्ट से पता चल गया कि हाँ वो कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करना चाहता है। तो यहाँ सिक्स नाइट का कंपनसेशन तो ले सकता है वह ए से, पर वह अब उस कॉन्ट्रैक्ट को एंड नहीं कर सकता, उस कॉन्ट्रैक्ट को एंड करने का राइट था जो उसके पास, वह खत्म हो जाता है। सेक्शन 39 में दो तरीके का ब्रीच होता है, एक एंटीसिपेटरी ब्रीच होता है और एक एक्चुअल ब्रीच होता है। एंटीसिपेटरी ब्रीच मींस समय आने से पहले पक्षकार पूर्णतः ब्रीच करे या अपने आप को डिसेबल कर ले कि वो सामने वाली पार्टी को लगे कि वो कॉन्ट्रैक्ट का पालन नहीं करेगा, अब कंफर्म हो जाए कि वह कॉन्ट्रैक्ट का पालन नहीं करेगा समय आने से पहले ही, ये हो गया एंटीसिपेटरी ब्रीच। एक्चुअल ब्रीच मीन्स क्या होता है, समय आने पर पक्षकार संविदा का कॉन्ट्रैक्ट का पालन नहीं करे, वो रिफ्यूज कर दे उस कॉन्ट्रैक्ट को या अपने आप को डिसेबल बना ले कि वह कॉन्ट्रैक्ट का पालन नहीं करेगा, ऐसी कंडीशन में लिया तो यह क्या हो जाता है एक्चुअल ब्रीच। आ गया एंटीसिपेटरी ब्रीच और एक्चुअल ब्रीच। अब केस लॉ डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट केस लॉ क्या है, बहुत फेमस केस लॉ है होचेस्टर वर्सेज डी लातूर का, हर एग्जाम में, हर जुडिशरी की हो या कोई भी लॉ के एग्जाम में हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ, तो आप लैंडमार्क जजमेंट दिया इसमें होचेस्टर वर्सेस डी लातूर में। इस केस में क्या हुआ था कि प्लेंटिव वाज अ करियर, उसको डिफेंडेंट ने इंगेज किया ऑन अ टूर टू कमेंस ऑन जो 1 जून 1852 को, नियरली अ मंथ बिफोर दिस डेथ द डिफेंडेंट रोड द प्लेंटिव दैट ही चेंज हिज माइंड। जब वह टूर की डेट आई तो डिपेंडेंट ने अपना माइंड चेंज कर लिया और प्लेंटिव को लेटर लिख दिया कि वह उसकी सर्विस को डिक्लाइन कर रहा है, तो प्लेंटिव ने इसलिए उस पर डिपेंडेंट पर स्यू कर दिया फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो डिपेंडेंट के काउंसिल ने बहुत विल पावरफुली कंटेंट किया कि ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट तो होगा ही नहीं क्योंकि परफॉर्मेंस से पहले ही इसने मना कर दिया। जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो तब होता जब वो परफॉर्मेंस का टाइम आता, हमने तो परफॉर्मेंस के टाइम के पहले ही मना कर दिया, तो ये क्या हो गया एंटीसिपेटरी ब्रीच, समय आने से पहले ही पार्टी ने मना कर दिया। तो यहाँ पर क्या जजमेंट दिया गया कि जब एग्रीमेंट डन अगर फ्यूचर डेट पे और उससे पहले ही पार्टी अपने आप को ऐसी कंडीशन में ला दे या ऐसी कंडीशन में बता दे कि वह कॉन्ट्रैक्ट का पालन फ्यूचर में नहीं करेगी, उसने लेटर के थ्रू ये डिक्लाइन कर दी उसकी सर्विस, अब वो फ्यूचर में उस कॉन्ट्रैक्ट को, भले से उसकी डेट फ्यूचर में है लेकिन उसने उसकी अपनी कंडीशन से, डिफेंडेंट ने अपने कंडीशन के थ्रू बता दिया है कि वो कॉन्ट्रैक्ट का पालन आगे नहीं करेगी, इससे वह तब भी कॉन्ट्रैक्ट ला सकता है जब वो डेट पे कॉन्ट्रैक्ट की डेट थी या उससे पहले, जैसे ही उस कॉन्ट्रैक्ट को उसने मना करा, पूर्णतः मना हुआ, उस दिन भी वह सूट ला सकता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। अब ये एक ट्रॉस वर्सेस नाइट में ही इस केस को, इस होचेस्टर वर्सेस डी लातूर के केस के थ्रू जजमेंट दिया गया। इसमें क्या कहा, डिफेंडेंट ने क्या करा था, प्रॉमिस करा था शादी करने के लिए प्लेंटिव से कि जब उस फादर की डेथ हो जाएगी तो वह प्लेंटिव से शादी कर लेगा, लेकिन उसकी फादर की डेथ से पहले ही उसने उससे इंगेजमेंट तोड़ दी प्लेंटिव से, तो यहाँ पर प्लेंटिव ने सूट करा। तो वही बात कही डिफेंडेंट के लॉयर ने कि नहीं अभी तो ब्रीच माना ही नहीं जाएगा क्योंकि उसके फादर की तो डेथ हुई नहीं, तो ब्रीच कैसे माना जाएगा क्योंकि वो परफॉर्म करने का तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने का तो टाइम आया ही नहीं, उसके पहले ही ब्रीच हो गया है। तो यहाँ पर भी होचेस्टर वर्सेस डी लातूर वाली बात को लिया कि नहीं, होचेस्टर वर्सेस डी लातूर के केस को रखा गया, उसे माना गया कि नहीं, ये वाला पॉइंट उसमें भी कहा गया था कि अगर पार्टी ने फूली या अपनी ऐसी कंडीशन से अपने आप को डिसेबल बना लिया, ऐसी कुछ कंडीशन कर दी उनने कि समझ में आ जाएगा कि नहीं ये कॉन्ट्रैक्ट का पालन नहीं करेगा, ऐसी उसने कंडीशन कर दी है, तो ये वह तब भी केस ला सकता है जब वो उसने अंत कर दिया उस कॉन्ट्रैक्ट का, पूरा एंड कर दिया है, या उस डेट पर भी ला सकता है जब उसके फादर की डेथ हो, जब वो कॉन्ट्रैक्ट का पालन करने का टाइम हो, वो उसके पहले भी ला सकता है क्योंकि यहाँ पर एंटीसिपेटरी ब्रीच हुआ। और कॉन्ट्रैक्ट लॉ कहता है कि एंटीसिपेटरी ब्रीच में भी आप केस कर सकते हो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, तो यह नहीं वो वेट नहीं करेगा कि वो पूरी जब टाइम आएगा तभी वो उसके पे
पहले भी जब उसको उसने उसके कंडीशन के थ्रू उसने बोल दिया कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा और उसने दूसरे पर्सन से शादी कर ली, या उसने उससे इंगेजमेंट तोड़ दी थी और कहा था कि नहीं अब मैं तुमसे नहीं करूंगा, तो यहाँ पर उसने उसके एक्शन के थ्रू बता दिया है कि वो अब कभी भी उससे शादी नहीं करेगा। तो उसने एक्शन के थ्रू बता दिया है कि वो कॉन्ट्रैक्ट का उसके पालन नहीं करेगा, रिवोक करेगा ही करेगा। तो ऐसे केस में भी क्या होगा कि आप तब केस ला सकते हो जब उसने भले से परफॉर्म करने के टाइम के पहले भी आप सूट ला सकते हो। आ गया समझ में कि 39 क्या कहना चाहता है? ये डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की ही सीरीज का पार्ट चल रहा है, 55 तक चलेगा, फोर पार्ट में डिवाइडेड है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये दो वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ है, या कि मैंने इसको फैक्ट मैंने आपको बता दिया कि इसमें एंटिसिपेटरी ब्रीच हुआ था तब भी कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सूट ला सकते। थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।